कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर बादल नूं वड्डा झटका लगा। इह तुहानूं दस्सीए कि साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल दे उत्ते गिरफ्तारी दी तलवार लटक गई है। अदालत ने सुखबीर बादल दी जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती है। तुहानूं दस्सीए कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच दोवां बादलां ने अगाऊ जमानत मंगी सी। घटना मौके सुखबीर बादल दे कोल गृह विभाग सी। तुहानूं दस्सीए कि फरीदकोट दी अदालत दे विच 23 मार्च नूं अगली सुनवाई होएगी। श्रोमणी अकाली दल दे वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि इस फैसले दे खिलाफ हाई कोर्ट दे विच वी अपील कीती जाएगी। तुहानूं दस्सीए कि इस वेले कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर बादल नूं वड्डा झटका लगा है। साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल दे उत्ते गिरफ्तारी दी तलवार लटक गई है। अदालत ने सुखबीर बादल दी जमानत अर्जी रद्द कर दिती है। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी जमानत अर्जी मंजूर हुई है। तुहानूं दस्सीए कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच दोवां बादलां ने अगाऊ जमानत मंगी सी। इस दे नाल ही तुहानूं जानकारी दे दईए कि सुखबीर बादल दे कोल घटना मौके गृह विभाग सी। फरीदकोट दी अदालत दे विच 23 मार्च नूं हुण अगली सुनवाई होएगी। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर बादल नूं वड्डा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले दे विच अगाऊ जमानत दी अर्जी रद्द कर दित्ती है। हालांकि अदालत ने प्रकाश सिंह बादल नूं इस मामले दे विच अगाऊ जमानत दे दित्ती है। दस्सीए कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच बादल प्यो पुत खिलाफ चलान पेश कीता गया सी, जिस तों बाद गिरफ्तारी तों बचण दे लई दोवां ने अदालत दे कोल पहुंच कीती सी। हालांकि अदालत ने प्रकाश सिंह बादल नूं राहत दित्ती है, पर सुखबीर सिंह बादल दी अगाऊ जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती गई है। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर बादल नूं वड्डा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले दे विच सुखबीर बादल दी अगाऊ जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती है। श्रोमणी अकाली दल दे वकील अर्शदीप कलेर ने दस्सिया कि इस फैसले दे खिलाफ हुण हाई कोर्ट दे विच वी अपील कीती जाएगी।